इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। अब भी दोनों तरफ से बम के गोले दागे जा रहे हैं और लोग अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेटों की बौछार करके जंग की शुरुआत की, जो फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। इस जंग ने दुनिया भर के नेताओं और विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। इंटरनेशनल सोशल एक्टिविस्ट और इंडो यूजी कॉमर्स एंड सोशल काउंसिल के अध्यक्ष फिरोज खान ने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को ट्वीट करके इसराइल गाजा की लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र की असफलता, नाकामी और उसकी भूमिका पर सवाल उठाया है। फिरोज खान ने अपने ट्वीट में कहा कि इसराइल और गाजा की लड़ाई में पूर्ण रूप से युद्ध अपराध, मानवाधिकार का हनन और उल्लंघन तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन किया गया है और इस उल्लंघन का असर हजारों लोगों की जान पर पड़ रहा है। आबादी वाले इलाकों में अंधाधुंध तरीके से विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, इतने सारे लोगों की जाने जा रही है। फिरोज खान ने बताया कि यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है कि वो पूरी दुनिया में शांति का माहौल बनाए और इसका ध्यान रखे, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन ना हो। लेकिन इसराइल गाजा जंग में यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से नाकाम दिख रही है, शक्ति का इस्तेमाल ना कर निष्क्रिय हो बैठी है। फिरोज खान ने ट्वीट कर यूएन को विश्व में शांति स्थापित करने और जंग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की है। साथ ही इतने सालों से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच के विवाद का एक स्थायी समाधान भी निकाले, इसकी भी अपील की है, ताकि दोनों देशों के बीच हमेशा के लिए शांति कायम हो सके।